मध्य प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा और जमीन में 100 फीट गाड़ने की बात कहते हैं। इधर रीवा जिले में अपराधियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला हनुमाना तहसील के शाहपुर थाना अंतर्गत ग्राम दुबिया का है, जहां सरहंगों ने कहर ढाया है। पीड़ित भिछू ने बताया कि वह रोज की तरह भिक्षा मांगकर लगभग रात 8 बजे के आसपास वापस लौट रहे थे। जैसे ही तालाब के पास पहुंचे तो इनके आगे दो मोटरसाइकिल सामने आ खड़ी हो गई, जिसमें शरद चंद्र गिरी, जवाहर लाल गिरी, पुष्कर गिरी तथा मुनिंद्र सवार थे। इसके बाद जवाहर गिरी और शरद चंद्र गिरी द्वारा सीधे हमला कर दिया और शरद चंद ने बाबा के पैर में टांगी मार दिया। पीड़ित की चीख सुनकर आसपास के लोग आए तो बाबा घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़े थे। बाबा ने ग्रामीणों से बताया कि शरद चंद गिरी, जवाहर लाल गिरी, पुष्कर गिरी तथा मुनेंद्र ने हमला किया है। सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने इनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी और ना ही कोई आश्वासन दिया। इसकी शिकायत बड़े अधिकारियों से की गई, तब पुलिस इन्हें यह आश्वासन दिया है। आइए सुनते हैं पीड़ित में घटना का क्या कारण बताया है। रमन गिर कहाँ से हैं? दुबिया। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ जानलेवा हमला हो गई। कैसे? टांगा मारी शरद, जमाहिर टांगा मारी मुनिंद और पुष्कर, ये दोनों जने पीछे से पकड़ करी। हम वहाँ से झटक के जल्दी से ब्रेक छोड़ दिया, साइकिल मार ढाल में रही और कुछ जब आगे बढ़ के आए तो खींच के टांगा मारी, पहले साइकिल में अड़ी, एक बार गोरे भंवर झटके लगा और एक राड भी मारे, तो राड से जो है तो हमारे साइकिल में राड पूरा अड़ गया। वहाँ से हम गुहार मारत भगन, जब गुहार मारत भगन तो गाँव के चारों बगल के आदमी दौड़ब शुरू कर दी, वो लोग भग दीन अपने घरे बले, घरे बले भग दीन। तो बेचारे का देखा वहाँ, अब इस आदमी लोगे सब वहाँ से जल्दी से भग गए वहाँ। किस कारण उन्होंने आपको टांगा मारा है? हाँ, क्या कारण है आपको टांगा मारने का? टांगा है, जमीनी सरबंध है, जमीनी सरबंध मुकदमा चल रहा है जी। ऐसे लोग हमारे ऊपर जानलेवा हमला में दौड़े। इसकी सूचना पुलिस को दिए? पुलिस के लगे गए, पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रही है। पुलिस के लगे हम एक दो तीन दिन से दौड़ रहे हैं, अजुआ गान है, लेकिन अजुआ कुछ सुनाई हमार नहीं हो रहा है। अब हम भगई तो कहाँ भगई? पुलिस के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं दिया गया पुलिस के द्वारा, हमको कुछ नहीं दिया गया। और मारने वाले जौन है तो शरद और जमाहिर और मुनिंद और पुष्कर, प्रशासन से आप क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से ही चाहते जैसे हमारे ऊपर केस लागू हुआ, उनके भी ऊपर केस लगे। केस क्यों नहीं लग रहा है? हम लोग परेशान हैं, वो लोग हम धमकी दे रहे हैं कि हम पुन के अबा का अभा है, पुन के मार करो। जिस जमीन के संबंध में झगड़ा चालू है वो जमीन किसकी है? वो जमीन हमारे पिताजी बिक्री पाठ के द्वारा खरीदे हैं सन 1948 1950, दो सन में हमारे पिताजी जमीन को खरीदे हैं, 3 एकड़ 35 डिसमिल रामकरण पटेल से खरीदे हैं और 81 डिसमिल रसिक बिहारी जगदीश जयराम, ये तीनों भाई मिलके हमें पाठ लिख दिए हैं 200 रुपया में, और 250 रुपया में रामकरण दिए रहे हैं। क्योंकि तो हमका ज़्यादा झूठ नहीं बोलेगा। आप करते क्या हैं? हम ये जोरी लेके भीख मांगी थी, अपन आप पेट पाल रहे हैं कौन रंग से, ये अभी बहाल बच्चन के बीच में आके समझा के अपन खान पीन करन पड़े हैं। हाँ, मेरा ओंकार गिरी। क्या परेशानी आपको? उस दिन मैं मोगन से आ रहा था 10 तारीख को 8:30 बजे, हमको 5 आदमी गेंगे बना के छेके थे। कौन कौन थे? उसकर गिरी, जवाहर लाल और सुखचैन, मुनिंद भारती, शरद गिरी। फिर क्या हुआ? और उस दिन बारिश हो रहा था और मैं अगर गाड़ी खड़ा कर देता तो 5 आदमी अटैक करके मार देते हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी? मेरे रिपोर्ट दर्ज करवाए, कोई सुनवाई नहीं है सर। धन्यवाद। नाम है आपका? मेरा नाम है ओमकार गिरी। इस बच्चे राहुल के पिता हैं आप जी? क्या घटना हुई है इनके साथ? घटना हुई है, इनको गाली पुद्दा दे रहे थे, धमकी दे रहे थे संदीप भारती जी, बोले कि स्कूल जाते हो पढ़ने तो मैं तुमको मार के नहर में डाल दूंगा जी। फिर मेरे पास आए, हमको बताए जी, फिर मास्टर को मैं सूचना दिया, राहुल के मास्टर को जी, कि बच्चे के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा जी। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।
क्या घटना हुई आपके साथ? 12 तारीख को ये लाठी डंडा चलाया यहाँ खेत पे जी, और उसके बाद हनुमाना गया, MLC हुई वहाँ पे। चोट लगी थी आपको? हाँ, चोट लगी थी मेरे सर पे, वो जवाहर के डंडा मार दिए थे जी। उसके बाद मैं चौकी गया, चौकी से फिर हनुमाना गया, MLC हुई वहाँ पे। फिर वहाँ से डॉक्टर ने रिफर किया रीवा के लिए, तो मैं एम्बुलेंस में बैठ रहा था, तो वो शरद चंदगिरी जो है तो मेरे को एम्बुलेंस में बैठने नहीं दिए, बोले इसमें नहीं बैठेगा ये। फिर मैं इंतजार किया वहाँ पे। फिर किससे गए आप रीवा? फिर बाद में एम्बुलेंस दूसरी आई, दूसरे एम्बुलेंस से गया था, बहुत टाइम बाद गया था। मतलब सरहंगई के दम पर आपको शरद गिरी ने उतार लिया? हाँ, नहीं बैठने ही नहीं दिया, बोला इसमें ही नहीं बैठेगा। धन्यवाद।